हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अमो के चैनल में और मैं अमो की मम्मा। लास्ट व्लॉग में हमने देखा था, हम गए थे हरिद्वार। तो बस अभी चंडी देवी से हम बाहर आते हुए, चंडी देवी का मैं आपको पूरा दर्शन नहीं करा पाऊँगी क्योंकि अलाउड नहीं है। आप खुद से आइए और यहाँ दर्शन कीजिए, बहुत ही बढ़िया अनुभूति होती है, बहुत ही शानदार। आप ज़रूर 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 आइए, आपको ये फुटेज देख के ही समझ आ जाएगा कितनी क्राउड, कितनी पब्लिक इसके पीछे पागल है। तो अभी हम ये वापस आते हुए, यहाँ की जो ई रिक्शा है ना, बहुत बढ़िया, और ये अमुक के साथ उसके भैया मस्ती करते हुए। और ये हम कुछ टेंपल और विज़िट किए थे इवनिंग में। इवनिंग में यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर मंदिर थे पास में, वहाँ पर आप ज़रूर से जाइएगा। यहाँ चारों तरफ बहुत ही सुंदर सुंदर मंदिर है और चारों तरफ मार्केट तो लगा ही हुआ है, आप शॉपिंग भी बढ़िया से कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही फेमस टेम्पल था, मैं आपको वो दिखाना चाहूँगी, एक भारत माता टेम्पल करके यहाँ पर है, बहुत ही शानदार टेम्पल है। मतलब मैं आपको क्या बताऊँ, आप आगे की फुटेजेस में देखेंगे। इस टेम्पल में 7 फ्लोर्स डिवाइडेड हैं और सातों के सातों फ्लोर अद्भुत हैं। यहाँ पर आपको बहुत एक नॉमिनल सी फीस देखिए जो एकदम नेग्लिजिबल है, उस अमाउंट को देख के लिफ्ट से जाना होता है, उसके बाद वापसी में आपको तो स्टेयर से उतरना पड़ता है। पर शानदार, ये देखिए भारत माता का जो मूर्ति थी। अब मैं आपको सारे फ्लोर्स दिखा रही हूँ, सीधे सातवें फ्लोर पर ले जाते हैं। ये देखिए इस वाले रूम में आपको विष्णु जी की जो सारे अवतार हैं वो सारे यहाँ दिखेंगे एक साथ। बहुत ही सुंदर मनोरम दृश्य था, आपको शायद कैमरे में वो चीज़ बता ना पाऊँ या समझा ना पाऊँ, जब आप आँखों से देखेंगे ना, बहुत ही अद्भुत, बहुत ही सुंदर, बहुत ही शानदार। उसके बाद हम नेक्स्ट फ्लोर पे गए। इस तरीके से हर एक फ्लोर में बहुत ही अच्छा सीन था, बहुत ही अच्छा दृश्य था, एक से एक दृश्य था। ये देखिए विष्णु जी और शंकर जी जल क्रीड़ा करते हुए, यहाँ से गंगा जी डायरेक्ट दिख रही थी। ये देखिए मैं आपको सीन दिखा रही हूँ इवनिंग का, बस अब अंधेरा होने ही वाला था, हम 6:30 बजे करीब निकले थे। और ये देखिए शक्ति माता का मंदिर, माता शक्ति के जितने सारे रूप थे वो सभी आपको यहाँ देखने मिलेंगे। बहुत ही सुंदर, बहुत ही मन को शांति देने वाला ये मंदिर था। मतलब हर एक फ्लोर पे एक से एक बहुत ही बढ़िया चीज़ें थी। ये देखिए मैं कोशिश कर रही हूँ आपको हर एक मूर्ति दिखाने की, बहुत ज़्यादा भी वीडियो शूटिंग अलाउ नहीं रहता है, जितना पॉसिबल था मैं आपको सारे फुटेजेस दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। और ये देखिए क्राउड कितना बढ़ते जा रहा है धीरे धीरे, क्योंकि बस अब क्लोज़ होने ही वाला था। उसके बाद ये अंदर आपकी जो जितने स्टेट होते हैं उनमें क्या खासियत है वो सारे यहाँ पर दिए हुए थे। और ये हमारे MP छत्तीसगढ़ का स्पेशली मैंने शूट किया, और वैसे तो सभी स्टेट का दिया हुआ था बहुत अच्छे से। इस तरीके की चीज़ें ना बच्चों के एजुकेशनल प्रोजेक्ट में डालनी चाहिए, कहने से बच्चों को जानकारी मिलती है, ऐसा मेरा मानना है। ये देखिए कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें आपको जानने मिलती हैं, बहुत ही बढ़िया शानदार, ऐसे मंदिर तो आपको अपने बच्चों को ज़रूर से दिखाने चाहिए। तो अब ये हमारे जितने संत, जितने भगवान हुए थे, ये देखिए सभी एक संत, स्वामी महावीर। इनफैक्ट मैं आपको सबको दिखा भी नहीं पा रही, ये संत तुलसीदास और इस तरीके से बहुत सारे संत, इवन दो चार के नाम तो मैं भी नहीं जान रही थी, बट यहाँ के मुझे बहुत कुछ जानने को मिला, बहुत कुछ। ये देखिए संत नामदेव, संत रामानंदाचार्य, शंकराचार्य, बाप रे, मैं तो बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मैं यहाँ पाई, बहुत ही शानदार। इतने सारे संत, इतनी अच्छी अच्छी जानकारी, गुरु नानक देव, रामदास, वाल्मीकि, स्वामी विवेकानंद जी, सभी सभी के बारे में आपको यहाँ कुछ कुछ जानने मिलेगा और सभी के एक साथ दर्शन होंगे। देखिए इस तरीके की चीज़ें बच्चे देखते हैं ना तो वो क्यूरियस होते हैं चीज़ों के बारे में, तो वो और जानना चाहते हैं। ये देखिए तो जब आप देखेंगे समझेंगे तभी तो आप उन्हें कल्चर बता पाएंगे ना अपना। तो आप ऐसी चीज़ें अपने बच्चों को ज़रूर से दिखाइए वेकेशन पर, तो ऐसी अच्छी जगह तो ज़रूर लाइए। और ये आगे बहुत ही बढ़िया, मैं आपको सारे दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, मे भी एक दो से स्किप हो गया हूँ तो उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि समय भी बहुत कम था और साथ में अमोक भी चलता था तो उसे भी देखना होता था, तो ज़्यादा मैं आपको शूट नहीं कर पा रही हूँ। और जितनी हमारी माताएं थी, वीरांगनाएं थी, ये मीराबाई, सावित्री देवी, ये सभी की बहुत ही बढ़िया सुंदर सी मूर्ति बनी हुई थी। बस आप देखते जाइए कितना शानदार, कितना सुंदर। कृष्ण वाले हनुमान साहब
और ये हमारे जितने शूरवीर हुए थे जिन्होंने हमारे भारत को आज़ाद कराने में मदद की, उन सभी के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी और उन सभी के स्टैचू यहाँ बने हुए थे। तो इस तरीके से ये मंदिर तो अद्भुत था, मैंने बिल्कुल इमेजिन नहीं किया था कि इस मंदिर में जाके मुझे इतनी बढ़िया और अच्छी जानकारी मिलेगी और इतना डिफरेंट होगा। मेरे हस्बैंड बहुत टाइम से बोल रहे थे कि चलेंगे इस मंदिर में, ज़रूर चलेंगे, बट जब मैं इस मंदिर में गई ना, वाह बहुत ही बढ़िया, आप भी यहाँ ज़रूर से आइएगा, बहुत ही बढ़िया मंदिर था। उसके बाद निकलने के बाद तो आसपास काफ़ी बड़े बड़े मंदिर थे पर ये मंदिर तो अद्भुत था। उसके बाद ये पास में ही एक और मंदिर था और यहाँ बस हम एंटर किए। अब यहाँ फ़ोन अलाउ नहीं था और वैसे भी अब मंदिर क्लोज़ होने वाले थे, तो बस ये लास्ट मंदिर था हमने विज़िट किया। उसके बाद हम बस यहाँ पर खाना वाना खाने के लिए थोड़ा रुक गए थे क्योंकि अब भूख लगने लगी थी, काफ़ी देर घूमते घूमते ना 8:30 करीब हो गया था, तो हम सब खाना खाने चले गए। ये हमने थोड़ा खाना खाया हल्का फुल्का, पनीर की सब्ज़ी, रोटी, रायता, सिंपल खाना। उसके बाद ये वो होटल जहाँ हमने खाना खाया, बहुत ही बढ़िया शानदार खाना था भैया, थैंक यू। और बस यही आज का व्लॉग, बहुत ही शानदार और बढ़िया दिन था आज का, बहुत ही बढ़िया लगा हमें हरिद्वार घूम के। और बस ये हमारे ट्रिप की क्लोजिंग ही थी क्योंकि नेक्स्ट डे हम दिल्ली के लिए निकल गए और दिल्ली में भी ज़्यादा देर तक नहीं रहे, अब इंडिया गेट घूमे और अक्षरधाम वगैरह गए। तो यहाँ उतना कैमरा अलाउ नहीं था अक्षरधाम में, तो वो मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगी। और ये आपका दोपहर में हमने आइसक्रीम खाई, सो दैट्स इट। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आ रहा है तो फटाफट से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आप चाहते हैं ऐसे ही बढ़िया बढ़िया आपको ट्रैवल ब्लॉग अमुक के देखने मिले तो मुझे कमेंट करके बताइए। और आप कहाँ जाना पसंद करते हैं, कहाँ का मैं ब्लॉग बनाऊँ, ये सारी चीज़ें मुझे बताइए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मेरे प्यारे अमुक के चैनल को। और ये हमारी छोटी छोटी यादें जो हम जाते जाते 2-4 इमेजेस क्लिक कर लिए, और ये हमारी क्यूट सी स्वीट सी फैमिली, हम तीनों का कॉम्बो। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टाटा बाय बाय।